Shrimannarayana Narayana Narayana Shri Yena Shrimannarayana Narayana Narayana Yena Lakshmi Narayana 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 Yena Lakshmi Narayana 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 Yena Srimannarayana Narayana Narayana Shri Yena Srimannarayana Narayana Narayana Yena Sadguru Narayana 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 Sadguru Narayana Sadguru Narayana 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 Sadguru Narayana Yena Srimannarayana Narayana Narayana Shri Yena Bhajmannarayana Narayana Narayana Bhajman Yena Bhajmannarayana Narayana Narayana Bhajmannarayana Yena Srimannarayana Narayana Narayana Yena Srimannarayana Narayana Narayana Srimannarayana Narayana 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 Sri Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Jeevandhan Sri Priya Pritam Lal Ke युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में बारंबार वंदन परमादरणी पूज्य संत वृंद पूज्य विद्वत वृंद श्री राघवेंद्र सरकार की कथा का रस लेने वाले रस प्रदान करने वाले आदरणीय श्री पंडित जी महाराज रामायणी जी हमारे जीवन धन गोविंद की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति आप सबके रूप में अपने जीवन धन की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं
जब तक हमारे अंतःकरण का संस्कार नहीं होता है तो निश्चित रूप से वह संस्कृत नहीं बनता। और यदि अंतःकरण हमारा संस्कृत नहीं है तो उसमें सुख का संचार होने वाला नहीं, आनंद का संचार होने वाला नहीं है। यदि हम चाहते हैं तो सतत हमारा चित्त शांत रहे, प्रेम से परिपूर्णित रहे, तो निश्चित रूप से हमें प्रेमियों की कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि प्रेमियों की कथा सुनकर के ही हमारे चित्त में प्रेम का प्रादुर्भाव होगा और प्रेम के माध्यम से ही अंतःकरण रसीला बनेगा, सरस बनेगा, रिजु बनेगा। आओ हम सब श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्ति के लिए विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ उस पावन पवित्र वातावरण में चलें जहां हमारे ऋषि भगवान के दैता सखा, भगवान के ही उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज गए हैं। कल हम सब श्रवण कर रहे थे, रात्रि भर बाबा के साथ चर्चा होती रही, रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातःकाल संध्या वंदन करने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए श्री उद्धव जी महाराज यमुना तट पर गए और इधर गोपियां जगती हैं, दीप जलाती हैं, दधि मंथन करते हुए गोविंद के गीत गाती हैं। उस गीत को सुनकर के श्री उद्धव जी महाराज का चित्त आकृष्ट हुआ। जिधर से वह ध्वनि आ रही थी, जो ध्वनि स्वर्ग को भी पवित्र कर रही थी, स्वर्ग का स्पर्श कर रही थी, उस ध्वनि का ही अवलंबन लेकर के उधर यात्रा की तो नंद बाबा के भवन के सन्मुख जब पहुंचे तो वहां का दृश्य बड़ा विलक्षण था। गोपांगनाएं चारों तरफ रथ के खड़ी हुई थी, आपस में चर्चा हो रही थी। कोई कह रही थी श्री कृष्ण आए हैं, कोई कह रहे थी कि अक्रूर आया है, कोई कह रही थी अरे बावरी उस क्रूर का नाम पता नहीं किसने अक्रूर रख दिया है। कई आचार्य चरण मानते हैं कि ये सब प्रेम की बातें श्री उद्धव जी ने सुन ली और कई आचार्य चरण मानते हैं कि श्री उद्धव जी ने नहीं सुनी, क्योंकि प्रेमी का स्वभाव होता है वह दूसरे की गुप्तगु सुनना नहीं चाहता है। अगर कोई आपस में चर्चा कर रहा है तो हमारा क्या प्रयोजन है वहां, केवल खड़े होकर के उधर निहार रहे थे। गोपांगनाओं ने जो श्री उद्धव जी महाराज को देखा तो देख करके उनको पहचान गई। तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रियः प्रलम्ब बाहुम नवकंज लोचनम पीतांबरम पुष्कर मालिनम लसन मुखार विंदम मणिमृष्ट कुंडलम। श्री उद्धव जी महाराज के वेशभूषा से उनके श्री कृष्ण का दर्शन किया जा सकता था। एक तो स्वाभाविक है कि अनुचर अपने स्वामी का ही अनुगमन करता है। हमने कई बार देखा है कि महात्माओं के जो शिष्य होते हैं, कई बार देखा है कि भले ही वह उनके विचारों को जीवन में न उतार पाए किंतु उनकी रहनी को उतारने का बड़ा प्रयास करते हैं। हमको बड़ा आश्चर्य लगता है, कई बार हमारे एक आराध्य चरण, अब वृद्धावस्था आ गई थी, कथा जब करते थे वो
तो स्वाभाविक है कि एक दो तकिया इधर रख लेते थे, दो तीन तकिया इधर रख लेते थे वृद्धावस्था के कारण, और एक दो तकिया पीछे भी होती थी। मंगलाचरण करने के बाद वह एक दो घूंट पानी पीते थे। अब मैंने देखा कि उनका अनुचर अभी जवान है, किंतु जैसे वो तकिया गुरुजी रखते थे वैसे तकिया उनकी व्यासपीठ पर भी होनी चाहिए। और मंगलाचरण करने के बाद मैं बड़ा कई बार हंसता हूँ, मंगलाचरण करने के बाद तुरंत वो एक गिलास चांदी का उनका सेवक रखता है पानी, वो पानी फिर पीते हैं, फिर जैसे महाराज जी ओठ पोछते थे रुमाल से वैसा उनका सेवक रुमाल देता है, फिर वो ओठ पोछते हैं, उसके बाद फिर कथा प्रारंभ होती है। मैं कई बार साधकों से निवेदन करता रहता हूँ कि संतों के आचरण को बाद के उत्तरार्थ जीवन को उतारने का प्रयास मत करो। उन्होंने जीवन के पूर्वार्ध में कितनी ठोकरें खाई हैं, कहाँ कहाँ साधक काल में गए हैं, वह हमारे जीवन को संबल देगा। उनका सिद्धावस्था का जीवन उतारने से काम बनने वाला नहीं है। अपने महाराष्ट्र का ही जब मैं चरित्र पढ़ता हूँ तो कितने कितने किलोमीटर सत्संग के लिए गांव से महरैया से कितनी दूर महाराज पैदल जाते थे संतों के पास, कहाँ कहाँ उनका जीवन नहीं महाराज गया, कैसे कैसे वेशभूषा में रहे। अब हम चाहें कि उनका जीवन का उत्तरार्ध अपने जीवन में उतार लें कि कैसे वो कपड़ा पहनते थे, कैसे वो चलते थे, कैसे वो बैठते थे, तो अनुचर का महाराज वेशभूषा से तो पता चल जाता है कि गुरु जी ऐसे रहते तो फिर अपने को भी ऐसे ही रहना है। तो श्री उद्धव जी महाराज की वेशभूषा से तो पता चल रहा था कि बिल्कुल वैसे ही हैं, अनुचर का पता चल गया, किंतु श्री कृष्ण के अनुचर हैं वेशभूषा से पता चल रहा है किंतु स्वभाव उनके जैसा निष्प्रिय है कि नहीं, करुणा से भरा हुआ है कि नहीं, कृपा से भरा हुआ है कि नहीं। तो तम वीक्ष गोपांगनाओं ने श्री उद्धव जी महाराज की वेशभूषा तो ऊपर से पहले ही दिख रही थी, कोई सामान्य व्यक्ति भी पहचान सकता था कि श्री कृष्ण के अनुचर है। तो विशेष प्रकार से क्षण का अर्थ श्री हमारे संत चरण करते हैं कि उनको निहार करके उनके स्वभाव का पता लगाया। महाराज कई लोग स्वभाव का पता बड़े अलग ढंग से लगाते हैं। हमारे यहाँ ऋषिकेश में जब मैं पूज्य दंडी स्वामी जी महाराज की सेवा में रहता था तो एक सज्जन, अब तो शायद शरीर उनका नहीं है, उसी समय 70-75 साल के रहे होंगे, गुजरात के थे, गाँव के कहीं के, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब लड़की के लिए वर का चयन करते हैं तो बोले एक विधा ये भी पहचानने की है कि वर अपने परिवार वालों का ध्यान रखता है कि नहीं, रखेगा कि नहीं रखेगा। इतनी स्थूल क्रिया कैसे, बोले प्रातःकाल जब वो वर आया शौच आदि क्रिया करने के बाद तो एक सज्जन प्रस्तुत होते हैं और पास में बड़े बूढ़े भी हैं, सब को दातून करनी है तो सबसे पहले जो वर निश्चित होने वाला होता है उसको दिया जाता है, सामने दातून प्रस्तुत की गई, उसमें एक दातून तो अच्छी होती है बिल्कुल बिना गांठ की सीधी, और सेध दातूने मोटी होती हैं, टेढ़ी होती हैं, गांठ वाली होती है। तो यदि उसके बच्चे के हाथ में दिया गया, उसने कहा तुरंत उसमें से अच्छी से चयन कर लिया जो सबसे अच्छी है, तो लड़के को फेल कर देंगे। और लड़के को फेल इसलिए कर देंगे कि निश्चित रूप से परिवार में यदि कोई अच्छी वस्तु आएगी तो ये अपने लिए रख लेगा, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखने वाला नहीं है। अगर ये व्यवहारिक होता तो निश्चित रूप सोचा कि ये बड़े बूढ़े हैं, इनके लिए मोटी दातून नहीं चाहिए, इनको गांठ वाली नहीं चाहिए, इनको कोमल दातून चाहिए क्योंकि दांत कोमल हैं, तो पहले बड़े बूढ़ों को उठा करके कोमल वाली दे, और अपने दांत कठोर हैं तो कठोर दातून से काम कर ले, तो निश्चित समझ में आएगा कि बालक व्यवहारिक है, अपने बड़े बूढ़ों का भी ध्यान रखने वाला है। महाराज ये बड़े बूढ़े चाल से पहचान लेते हैं, बोलने से पहचान लेते हैं, व्यवहार से पहचान लेते हैं,
ये अपना सेल्फ ध्यान रखने वाला है कि पूरे परिवार का ध्यान रखने वाला है। तो पहचानने के कई तरीके हैं। उनको लगा कि श्री कृष्ण के अनुचर तो हैं ये, मैं ये पहचान गई, किंतु इनके साथ एकांत में समय बिताया जा सकता है कि नहीं बिताया जा सकता है, यह भी ईक्षण करके उन्होंने पता लगाया। और कई आचार्य चरण तो कहते हैं कि गोपियां जानती थी कि श्री कृष्ण को भेष बदल कर आने की आदत है, श्री कृष्ण को भेष बदल करके आने की आदत है। हमारे ब्रज में तो लीला दिखाते हैं, कभी पनिहारिन बन के पहुंच जाते हैं, कभी मनिहारिन बन के पहुंच जाते हैं, कभी लीला गोदवायलो राधा प्यारी लिलिहारिन बन करके पहुंच जाते हैं। तो श्याम जैसा शरीर, श्याम जैसे ही वस्त्र, श्याम जैसा ही ढंग, तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि श्याम सुंदर स्वयं अनुचर बनकर के गुप्त रूप से आ गए हैं, बनकर के दास आए हैं किंतु हैं स्वयं स्वामी। तो पहचान रही है कि श्याम सुंदर ही है कि सचमुच में दास है। तो तम वीक्ष कृष्णानुचरम ब्रज स्त्रिया, ब्रज की स्त्रियों ने पहचान लिया कि अनुचर। एक बात बहुत रशिली जो कल मैंने थोड़ा संकेत में आप सबके सन्मुख रखी थी, एक मेघमाला को देखकर श्रीकृष्ण समझकर आलिंगन के लिए दौड़ती हैं, तमाल के वृक्ष को श्रीकृष्ण समझकर के आलिंगन के लिए बढ़ती हैं, आलिंगन के लिए बढ़ती नहीं आलिंगन कर लेती हैं। और जो श्रीकृष्ण जैसे ही हैं, उनके ही वस्त्र हैं, वैसा ही श्री विग्रह है, वैसा ही सब कुछ है, तो इन श्री कृष्ण के अनुचर को देख करके गोपांगनाओं ने इनके साथ आलिंगनबद्ध क्यों नहीं हुई, कारण क्या है? देखो नारायण, यदि आलिंगनबद्ध हो जाती तो पर पुरुष के स्पर्श का दोष लगता और अनन्यता भंग हो जाती। तो गोपांगनाओं ने अपने को संभाला कि सहज संभली रही, भैया ध्यान रखना धर्मो रक्षति रक्षतः, एक बात। और दूसरी बात, बिल्कुल आप लोग गांठ बांध लीजिए। कई बार लोग कहते हैं श्रद्धावान लोगों को लोग ठग लेते हैं, श्रद्धा से भरा हुआ व्यक्ति ठगा जाता है। और मैं आपको रामचरितमानस के आधार पर कहूं, भागवत के आधार पर कहूं, आप सच्ची श्रद्धा से भरिए। श्रद्धावान के साथ भगवान रहता है, और जिसके साथ भगवान रहता है उसको कोई कभी ठग नहीं सकता है किसी भी रूप में। आपने रामायणी जी के मुखारविंद से सुना होगा, नहीं तो सुनेंगे। हमारे श्री हनुमंतलाल जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए निकले, यात्रा प्रारंभ हुई। आप सब चरित्र से परिचित हैं, मैं केवल आपकी दृष्टि खींचूंगा। रावण को ये बात पता चली कि हनुमान जी बूटी लेने के लिए गए, और सूर्योदय के पहले यदि बूटी आ गई तो लखन जीवित हो जाएंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति भेजा जाए जो हनुमान जी महाराज की गति को रोक सके। रावण बुद्धिमान है, उसने विचार कर लिया कि हमारे लंका में ऐसा एक भी वीर नहीं है जो हनुमान जी महाराज की गति को रोक सके, एक भी वीर नहीं है। और मैं कहां तक कहूं, हनुमान जी महाराज की गति को रोकने का सामर्थ्य रावण में भी नहीं था कि वो स्वयं जाकर के रोक सके। अब घबराया कि विचार क्या करे, कैसे रोका जाए। तो बुद्धिमान दुश्मन जो होता है वो अपने दुश्मन की कमजोरी जानता है, और कमजोरी यदि जानता है तो कमजोरी से ही उसे परास्त किया जा सकता है। तो हनुमान जी महाराज की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्या सबसे बड़ी कमजोरी है? राम कथा सुनवे को रसिया। ये श्रीमान जी, राम कथा से इनको इतना प्रेम है
कि राम जी साकेत जाने लगे तो कहा हमको यहीं रहने दीजिए क्योंकि आपकी कथा यहाँ है तो हम आपकी कथा सुन करके यहाँ रह जाएंगे। और जब महाराज जब तक धरा में कथा रहेगी तब तक मैं रहूँगा। ये कमजोरी है श्री हनुमान जी महाराज की। हम लोगों में भी कोई ना कोई कमजोरी होती है, इस कमजोरी का लाभ लिया। कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रस्तुत किया जाए जो राम जी की कथा हनुमान जी को सुनाए और हनुमान जी कथा में बैठ जाएं, और कथा में यदि बैठ जाएंगे तो समय का, और सचमुच में कथा में समय का पता भी नहीं चलता है, और समय का पता नहीं चलेगा, रात्रि व्यतीत हो जाएगी यहीं और वह बूटी ला नहीं पाएंगे, निश्चित रूप से लखन फिर उठ नहीं पाएंगे। भेज दिया एक असुर को महाराज, उसने इतनी बढ़िया कुटिया बनाई, कुटिया में सब मायाजन्य, बगीचा भी दिव्य है, उद्यान दिव्य है, सरोवर दिव्य है, और बैठ करके राम कथा कहने लगा। और हनुमान जी महाराज भी पहुंचे तो सुनने भी लगे। अब जो हनुमान जी महाराज कथा बैठ करके सुनने लगे, जो हनुमान जी महाराज को 400 योजन समुद्र पार करके गए प्यास नहीं लगी, आप यात्रा पढ़िएगा, बंदरों को प्यास लगी किंतु हनुमान जी महाराज को प्यास नहीं लगी। उन महापुरुष को कथा सुनते सुनते प्यास लगाई और कहा कि मुझे पानी चाहिए। महात्मा जी ने कमंडल दिया, बोले इतने पानी से प्यास बुझने वाली हमारी नहीं है, तो सरोवर दिखा दिया। और सरोवर में जब पानी पीने के लिए गए, जो प्रविष्ट हुए, प्रविष्ट होते ही महाराज उनका पैर एक मगरी से स्पर्श किया और वो मगरी एक अप्सरा के रूप में प्रकट हो गई। और प्रकट होकर के उसने कहा कि महाराज जिनको आप साधु समझ करके कथा सुन रहे हो वो साधु नहीं है, साधु न हो वो साधु नहीं, निशाचर घोरा, घोर निशाचर है। हमारे पूज्य पंडित जी महाराज ने यहाँ बड़ी बढ़िया दृष्टि दी। पंडित जी महाराज प्रश्न करते हैं कि जब आश्रम माया का था तो सरोवर भी माया का था, तो माया का सरोवर, माया का जल, उसमें ये असली मगरी कहाँ से आ गई? जब सब कुछ नकली है तो उसमें नकली ही होना चाहिए था। और उसने कैसे सूचना दे दी? तो पूज्य पंडित जी महाराज हमारे कहते हैं कि सूचना इसलिए उनको मिल गई वहां क्योंकि भगवान की कृपा उनके साथ में थी। जिसके साथ भगवान की कृपा है उसको कोई ठग नहीं सकता है। और बाद में श्री हनुमान जी महाराज ने तो बहुत बढ़िया किया, जब वहाँ गए जाकर के महाराज बैठे तो उन्होंने कहा पानी पिया है? बोले पिया है। बोले बिना दीक्षा के कथा नहीं सुननी चाहिए, दीक्षा लो। तो हमारे एक महात्मा कहते थे, हनुमान जी ने कहा दीक्षा बाद में लूँगा, दक्षिणा पहले दे देता हूँ, क्योंकि दीक्षा का संबंध कई बार दक्षिणा से होता है। तो कहा कि दीक्षा तो बाद में दे देना, पहले दक्षिणा ले लो, क्योंकि प्रयोजन दक्षिणा का है। महाराज ऐसी दक्षिणा दी कि भगवान न करे किसी गुरु को मिले, पूछ में पकड़ कर तब तक पटकते रहे जब तक निष्प्राण नहीं हो गया। निवेदन इतना ही था कि यदि हम श्रद्धावान हैं तो हमें कोई ठग नहीं सकता है। आप कभी ये मत सोचना कि हमको कोई ठग रहा है। हमारे महाराज जी ने पूज्य भाई श्री की एक कथा सुनाई, जब गोरखपुर में थे तो कोई सज्जन उनके पास आया, बोला एक्सीडेंट हो गया है, हमारे बच्चे और पत्नी अस्पताल में एडमिट हैं, कुछ पैसा दे दो। फिर बाद में ऑपरेशन का पैसा लेने आया, भाई श्री देते रहे वो भी पैसा। बाद में यहाँ तक कहा कि वो पत्नी का देहावसान हो गया है, अब जलाने का पैसा दे दो। पूज्य भाई श्री ने वो भी दे दिया। तो बाद में किसी सेवक ने उनको कहा कि मांगता है आपको पता भी है कि सचमुच है? बोले कि जिस दिन ये आया था ना उस दिन हमने पता लगा लिया था
अस्पताल में फोन करके कि कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो फिर बार बार आप इसको दे क्यों रहे हो जानबूझ करके? बोले पता नहीं, इसको सामने आता है तो देने का मन होता है, ऐसा हुआ होगा शायद, कभी हमने पहले इसका लिया होगा तो आज दे रहे हैं। ये ठगना नहीं, जानबूझ करके देना है। तो महद पुरुष को कोई ठग नहीं सकता है, वो अपने आप जान करके करुणा करता रहे वो अलग बात है। महापुरुष के हृदय में भगवान की कृपा होने के कारण वह सबसे पहले सूचना मिल जाती है। तो गोपांगनाएं इसलिए धर्म भ्रष्ट नहीं हुई, उन्होंने श्री उद्धव जी महाराज का आलिंगन नहीं किया, क्योंकि उनके अंतःकरण में भगवत प्रेम विराजमान है और भगवत प्रेम का ही वह संबल है, क्योंकि प्रेम और परमात्मा में अलग नहीं है खेल, दोनों एक ही हैं। दोनों एक होने के कारण उनके जीवन में यह बोध है, और बाद में निहारा पास में जाकर के देखा, अच्छा अच्छा सुचिस्मिताहा, ये मंद मंद मुस्कराने वाले, सुंदर वेशभूषा वाले कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यह चिंतन कर रही थी और सभी गोपांगनाओं ने चारों तरफ से घेर लिया और जान गई उत्तम श्लोक पदाम भुजाश्रयम। इसके दोनों प्रकार बहुब्री समास भी हो सकता है, दोनों प्रकार से अर्थ किया जा सकता है। ये उत्तम श्लोक पदाम भुजाश्रयम, भगवान श्री कृष्ण उत्तम श्लोक हैं और उनके चरणों के आश्रय में जो रहते हैं, उत्तम श्लोक श्री कृष्ण के चरणों के आश्रय में जो रहते हैं उनका नाम हुआ उत्तम श्लोक पादाम भुजाश्रयम, अथवा भगवान के चरण जिनके आश्रय में रहते हैं वो भी उत्तम श्लोक पदाम भुजाश्रवम। आप कहेंगे भगवान के चरण जिसके आश्रय में रहते, ये कैसे हो सकता है? भगवान के चरण के आश्रय तो साधक भक्त लोग रहते हैं, किंतु भगवान के चरणों का आश्रय कौन बनेगा? भगवान के चरणों के आश्रय में रहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, किंतु भगवान के चरण ही जिनके आश्रय में हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ये जिन्होंने कभी गुरुजनों की, अपने माता पिता की सेवा की होगी, उनको ये बोध हो जाएगा। कई बार अपने गुरुजन बैठे होते हैं पर्यंक पर, पैर नीचे लटके हैं या कुर्सी पर, और सेवक को यदि पैर दबाना होता है तो वह पंथी मार करके नीचे बैठ जाता है और अपने गोद में ही अपने स्वामी के चरण रख लेता है और रख करके धीरे धीरे दबाता रहता है। तो भगवान के चरण जिनकी गोद में रहते हैं, श्री उद्धव जी महाराज इतने भगवान के अंतरंग हैं, एकांत में रहते हैं, कि उनके चरण अपनी गोद में रह करके धीरे धीरे दबाते रहते हैं। और महाराज एक निवेदन करूं, आजकल मैं इस पर बहुत जोर देने लगा हूं, प्रमाण के आधार पर भी और अनुभव के आधार पर भी, ये परंपरा जिनके घरों में न हो, प्रयास पूर्वक चलाने का प्रयास करना। क्या चलाने का प्रयास करना है? पहले के समय में आपने देखा होगा कि बहुएं सास के पैर दबाती थी, और हमारे यहाँ तो ये भी परंपरा थी कि पैर छुए भी तो घुटने से लेकर के नीचे तक पैर दबा करके फिर पैर का स्पर्श किया जाए, फिर पैर छुए जाए। किंतु आजकल तो सास दबाती हैं कि नहीं? माताओं सासें बैठी हैं बताएंगी। एक मैया तो बोली पैर दबाना तो बहुत दूर है हमसे, कही बोले गला नहीं दबाती यही बहुत है, गला नहीं दबाती यही बहुत है, पैर दबाना चाहिए। और अपने बच्चों को अपने बड़े बूढ़ों के पैर दबाना चाहिए। इससे लाभ क्या है? आप कहोगे क्या मिलेगा, तो एक आदत खराब हो जाएगी। आज परिवारों में जो बहुत दूरियां आती जा रही हैं, आजकल बड़ी विडंबना है, सास बहू साथ नहीं सकते, बाप बेटे साथ नहीं रह सकते, इसमें यदि मूल में कभी विचार करेंगे, युग धर्म है, मैं उसको नकारता नहीं हूं कि युग धर्म है, किंतु यहां स्नेह की न्यूनता भी कारण है।
जहां किसी से स्नेह प्रेम होता उसके दोष दर्शन नहीं होते हैं, और जहां दोष दर्शन नहीं होते वहां झगड़ा नहीं होता है। ये झगड़े का मूल कारण है दोष दर्शन। ये दोष दर्शन के कारण ही झगड़ा होता है, और झगड़े के बाद फिर अलगाव होता है। तो जहां हमारा प्रेम होता है वहां प्रेम में दोष दर्शन नहीं होता है, और दोष दर्शन नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे के साथ सहजता और प्रेम से बने रहेंगे। तो हमारा दोष दर्शन न हो इसलिए कर्तव्य है कि प्रेम बढ़े। और प्रेम कैसे बढ़े? पहले बच्चों को जो स्किन टच मिलता था ना, खाल का स्पर्श, इससे प्रेम बढ़ता है। और मैं इसका प्रमाण पत्र हूं। प्रमाण पत्र कैसे, मैं बता रहा हूं आपको अनुभूति की बात। मैंने अपने माता पिता के कभी पैर नहीं दबाए। 11 वर्ष की उम्र घर से निकल आया था तो कभी ना पिता के ना माँ के हमने पैर दबाए हों घंटों, मुझे स्मरण नहीं है। किंतु मैंने अपने गुरुदेव के पैर बहुत दबाए। उनको डायबिटीज थी, मैं 4-4 घंटे पैर दबाता रहता था। और उनको पैर दबाने की ऐसी आदत थी, जब मैंने कथा प्रारंभ कर दी तो हमको फोन करते थे वो कि कोई अपना चेला भेजो, तुम तो स्वाध्याय में लगे होगे, कोई अपना चेला भेजो जो पैर दबाए। किंतु आजकल बच्चों को श्रद्धा ही नहीं है, और बिना श्रद्धा के काम हो नहीं सकता। इसका लाभ कितना होता है ये तो दबाने वाला जान सकता है, ये हमारे पांडे जी से पूछ लीजिएगा। इन्होंने खूब दबाया है महाराज जी के पैर, और उसका परिणाम ये है कि कथा करने के बाद ये बैठकर कथा सुन रहे हैं। नहीं, वक्ता कभी किसी की कथा सुनता नहीं है। मेरा भी अनुभव है, मैं भी देखता रहता हूं। अपना मंगलाचरण पूरा हुआ तो तुरंत व्यास खिसक जाते हैं, सुनते नहीं हैं। तो ये सुनने की प्रणाली, ये सहजता संतों को वंदन करने का, ये इनको मिला गुरुजनों से है। ये हमारे महाराज जी की विशेषता थी कि वो घंटों महाराज बैठ करके सुनते थे नीचे। महाराज जी का सब जगह पूरा प्रचार था, सब जगह धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज पहुंचे, और पूज्य हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज, प्रभुदत्त जी महाराज, महाराज जी ने अमृत महोत्सव में इन दोनों महापुरुषों के परात में चरण धोए। जब 75 साल के थे, सारा जगह उनका प्रचार प्रसार था, तो साधुओं के प्रति, विद्वानों के प्रति आदर। तो ये जो गुरुजनों से अपने को मिलता है, परंपरागत मिलता है। तो मैं बताऊं, मैं उनको पैर बहुत दबाया करता था, घंटों पैर दबाता था। कई बार ऐसा भी हुआ है कि महाराज जी का स्वास्थ्य खराब है, मैं रात भर पैर दबाया। वो आप लोगों ने शायद पहले कभी सुना होगा कि एक बच्चा महात्मा के पैर दबा रहा था, तो महात्मा जी ने पूछा कि तुम कितने भाई हो? तो उसने कहा 4 भाई हूं। क्या करता है कौन बड़ा भाई, तो बताने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बड़े भाई की बात, अब तक महात्मा सो गए। 1-1.5 घंटे के बाद फिर जो हाथ ढीला किया तो फिर नींद खुली। तो बोले कि बड़ा भाई क्या करता है, फिर बताया। बाद में छोटे भाई का बात बताया। बाद में फिर महाराज 1-2 घंटे के बाद नींद फिर खुली, तो फिर पूछा कितने भाई हो? तो कहा कि महाराज जी अब तो 3 ही है। तो कहा तुमने तो 4 बताया था। बोले एक कहां बचेगा, अब जब चला जाएगा रुकेगा, बचेगा नहीं ज्यादा देर, क्योंकि महात्माओं को आदत होती दबाते रहो कोई बात नहीं। तो मैं तो महाराज रात भर कई बार पैर दबाया, क्योंकि जब पैर छोड़ू तो महाराज जी की नींद खुल जाए। उसका परिणाम यह हुआ, आज मुझे जितना प्रेम उनसे दुनिया में किसी से नहीं है। उनका मैं स्मरण करता हूं रोने लगता हूं, और ऐसा कोई दिन नहीं होता है जो 1-2 बार उनका स्मरण करके हृदय भीग न जाए। मैं बार बार सोचता हूं कि हुआ कैसे, मेरा स्वभाव इस ढंग का नहीं था। किंतु अब पता चलता है कि जो सेवा में रहा उससे ये प्रेम का संचार होता है। तो निश्चित रूप से ये होना भी चाहिए। मैं लोगों को बार बार कहता हूं, बच्चों से कहो कि पैर दबाओ। कारण क्या है? बच्चों का यदि आपके प्रति प्रेम होगा तो आपकी सेवा में संलग्न होंगे। प्रेम की परिणति सेवा में होती है।
अगर सेवा हम न करने की प्रवृत्ति हो तो हमारा प्रेम प्रेम नहीं है। आप देखेंगे जहाँ प्रेम होगा, प्रेम की परिणति सेवा में है, समर्पण में है। तो हमारे श्री उद्धव जी महाराज श्री कृष्ण के अनुचर है और निश्चित रूप से ये उत्तम श्लोक के चरणारविंदों के आश्रय हैं। गोपांगनाओं ने इनको पहचान लिया और पहचानने के बाद एक संत चरण तो कहते हैं गोपांगनाएं धीरे से इधर हुई तो श्री उद्धव जी महाराज उनके साथ साथ थोड़ी दूर गए। एकांत में जो महाराज ये पहुंची सब गोपियां, श्री उद्धव जी को एक आसन बिछा दिया और आसन बिछा करके हाथ जोड़ करके झुक करके तम प्रसेणा अवनता सुसत्कृतम, हाथ जोड़ करके उनको प्रणाम किया झुक करके थोड़ा। मैं तो कई बार, आजकल कई लोग ध्यान नहीं देते हैं शास्त्रीय विधा का, माताओं को कभी साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। और मैं माताओं को और भी निवेदन करता रहता हूँ, किसी भी पुरुष को पति के अतिरिक्त उसका स्पर्श करके उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए, महात्मा का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। प्रणाम करें, आदर है, झुक करके वंदन करने की हमारे यहाँ की प्रणाली है, किंतु अंग स्पर्श हो ये ठीक नहीं है। साष्टांग भी महाराज वंदन न हो और अंग स्पर्श हो, ये भी ध्यान रखा जाए कि वो नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने श्री उद्धव जी महाराज को हाथ जोड़ करके झुक करके और वंदन किया। और वंदन करने का ढंग बहुत अद्भुत है। गोपियां श्री उद्धव को रोती हुई नहीं मिली हैं कि रोती हुई क्रंदन करती हुई मिली हों। हमारे सुखदेव जी महाराज कहते सवीड हासे क्षण सुर नताद भी, थोड़ी लज्जा है। और नारायण हमारी माताओं की लज्जा आभूषण है, आभूषण। एक संस्कृत का श्लोक है, जिस स्त्री के जीवन में लज्जा नहीं रहती वह स्त्री नष्ट हो जाती है। जिस वारांगना के जीवन में लज्जा आ जाए तो उसका फिर आभूषण नहीं, वारांगना को लज्जा वाला नहीं होना चाहिए। और सती स्त्री तो पतिव्रता स्त्री, सदाचारिणी स्त्री, तो उसके जीवन में लज्जा होनी चाहिए, भय होना चाहिए, संकोच होना चाहिए। ये भय लज्जा संकोच ये उनके आभूषण हैं। तो थोड़ा लज्जावान हो करके वीड़ा के साथ लज्जा के साथ मुस्करा करके, ऐसे नहीं कि मेरा चेहरे में उदासी छाई है जैसे कोई मर गया हो, मुस्करा करके, मुस्करा करके क्या करती हैं, और मीठी वाणी बोल करके, सुन्नता माने मीठी वाणी। आदि से हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने सुबोधनी में लिखा है कि आदि शब्द से क्या अर्थ लिया जाएगा, तो कहा कि पुष्प भी समर्पित किए। वृंदावन में आए हैं, ब्रज में आए हैं, तो उनके चरणों में पुष्प भी समर्पित किए गए। आसन आदि तो दिया ही, अर्घ आदि तो दिया ही, और मुस्करा करके पास में बैठ गई। पास में बैठ करके अच्छा नारायण बोलने का ढंग भी सुनता, भैया ध्यान रखना, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने, श्री राम सुखदास जी महाराज ने करुणा करके हमको बचपन में यहीं पर पूज्य श्री शरणानंद जी महाराज का साहित्य दिया, पूरा साहित्य करुणा जी महाराज जी की। मैंने उसको करीब 15-20 साल तो नहीं पढ़ा, वो ऐसे ही बांध करके रख दिया, क्योंकि अपने भागवत पढ़ रहे थे, गीता आदि पढ़ रहे थे। अपने को जब तक कोई प्रमाणिक वाक्य न दिखे उपनिषद के, गीता के प्रमाण सहित, तब तक जल्दी अपनी निष्ठा होती नहीं है, और ऐसे किसी के भी ग्रंथ पढ़ने की अपनी रुचि भी नहीं है। हमारे पास तो बहुत सारे ग्रंथ आते रहते हैं, लोग कहते हैं पुस्तकालय में रख दो, कई बार तो इतनी पुस्तकालयों से हमारा छटनी करने पड़ते हैं ग्रंथों को,
कि जब मैं ग्रंथ देखता हूँ तो सेवारन जी महाराज को कहता हूँ कि ये पढ़ने से लोगों की बुद्धि और खराब हो जाएगी, तो ये पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, कोई यहाँ से ले ही ना जाए। क्योंकि आजकल एक महाराज बड़ा सा खेल हो गया है, विडम्बना है, जो बहुश्रुत नहीं है, बहुपठित नहीं है, उनको भी लिखने की आदत है, और लिख करके फिर सेठ पैसे वाले लोग होते हैं तो छप भी जाते हैं, क्योंकि छपवाने के लिए तो पैसा चाहिए, तो छप भी जाते हैं ग्रंथ। किंतु यदि उसमें शास्त्र मर्यादा नहीं है, शास्त्र परंपरा नहीं है, तो ऐसे साहित्य को पढ़ना भी नहीं चाहिए। अब मैंने तो रख दिया कि आदर से दिया है स्वामी जी, यहाँ ऋषिकेश से उठा ले गया था। एक दिन पता नहीं कोई स्वामी जी की बात आई तो हमने कहा कि उन्होंने दिया था, मैंने कभी पढ़ा नहीं, एक बार तो पढ़ लेना चाहिए, महापुरुष का प्रसाद है। तो पूज्य शरणानी महाराज की वो शैली मैंने पढ़ी, अभी भी सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। कई वाक्य स्वामी जी के इतने चुटीले हैं, कई वाक्य, अब वो महापुरुषों की वाणी ही शास्त्र बनती है। कई वाक्य ऐसे ऐसे चुटीले हैं, अधिकतर आहार की चर्चा जो होती है, वैसे तो भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने भी आहार शब्द का अर्थ यही किया है जो पूज्य शरणानी महाराज ने किया। वो कहते हैं शरणानी महाराज की जो बाहर से अंदर लाया जाए, ध्यान रखना, वो आहार है, और जो अंदर से बाहर निकाला जाए वो व्यवहार है। शब्दोच्चारण अंदर से वाणी निकली बाहर तो व्यवहार है। तो व्यवहार, आहार हमारा पवित्र हो और व्यवहार पवित्र हो। जितनी चीजें, कई बार हम आहार के नाम पर भोजन को तो पवित्र कर लेते हैं किंतु दृश्य को पवित्र नहीं कर पाते हैं, शब्दों को पवित्र नहीं कर पाते हैं। अब जरा विचार करना कि आप बिल्कुल फलाहारी हो, फलाहार लेते हो, मैं फलाहार लेने वालों को बंधन कर रहा हूं, मानो फलाहार लेते हो किंतु ध्यान रखिएगा और दिन भर आप टीवी के सामने बैठे रहते हो, तो टीवी में जो कचरा दिखाया जा रहा है वो सब तुम्हारे आंख के दरवाजे से अंदर गया कि नहीं गया, तो रूप का आहार तो बिगड़ गया। ऐसे लोगों की निंदा आदि सुनते रहते हो तो शब्द का आहार बिगड़ गया। गाली सुनो, निंदा सुनो, विषय चर्चा सुनो, ये विषय चर्चा भी आहार बिगाड़ता है, श्रृंगार की चर्चा सुनो, ये सारे के सारे महाराज हमारे जीवन में हमारे आहार को खराब करने वाले हैं। तो जो भी हमारे कान के दरवाजे से, नाक के दरवाजे से, और महाराज आपको ये विचार मत कीजिएगा कि जो चीज़ आज आपको खराब लग रही कल भी खराब लगती रहेगी। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, आप लोग भी अनुभव कर सकते हो, जब कभी आप भेंट द्वारिका जाओ तो मछलियों की बड़ी गंध आती है, वहाँ मछली व्यापार होता है, सूखती रहती है, प्राण फड़फड़ाते हैं। मेरे को तो कई बार जाने का अवसर मिला भागवत की कथा के माध्यम से। मैं एक दिन विचार करने लगा कि हमारे तो प्राण घुट रहे हैं कि तो यहाँ जो लोग रहते हैं उनको क्यों तकलीफ नहीं होती है, वहाँ कितने लोग रहते हैं उनको मछली की गंध उनको परेशान नहीं करती, भागते नहीं हैं वो लोग। कारण क्या है कि वह धीरे धीरे गंध हमारे अभ्यास में आ जाती है। ऐसे विषय भी जब धीरे धीरे अभ्यास में आ जाते हैं तो फिर हमको कष्ट नहीं देते हैं। अभी कई दृश्य हैं हमको बड़े कष्ट देते हैं, किंतु जिनके अभ्यास में आ जाते हैं उनको कष्ट नहीं देते, वो स्वभाव बन करके आ जाते हैं। तो ये ऐसे विषय देखते देखते कई चीज़ें अभ्यास में आ जाती, जो टीवी दिन भर देखते रहते हैं महाराज उनके तो अभ्यास में है सब। और मुझे कई बार लगता है आप लोग भले नाराज हो जाना, दो चार चैनल सत्संग के हैं वो मैं उनको बंधन करता हूँ, नहीं लगभग कचड़ा परोसा जाता है, कचड़ा, काल्पनिक सब बातें परोसी जाती हैं। हमको समाचार सुनने का बड़ा शौक था तो मैं समाचार लगभग कहीं टीवी खुले तो तुरंत समाचार सुनता था। एक बार मेरी कथा बंगलोर में थी, मैं समाचार वहाँ पढ़ा कि बीकानेर में बाढ़ आ गई, और वहाँ सारे के सारे महाराज दृश्य दिखाए गए कि रेल की पटरियाँ डूब रही हैं और बड़ी बाढ़ है। हमारी कथा थी उस क्षेत्र में, हमने सोचा श्रवणानंद इतनी बाढ़ आ गई यदि राजस्थान में तो अब तो वहाँ तो पंडाल बना के कथा होती, हमारी कथा होगी ही नहीं।
फिर हमने उनको फोन किया कि भाई बाढ़ आई, बोले यहाँ कुछ नहीं आया हुआ है। महाराज गया तो भयंकर गर्मी थी, तो मुझे लगा कि ये जो समाचार भी सुनाए जाते लगभग कचड़ा है। अपठित लोग महाराज पत्रकार बन गए, क्या परोसा जाए क्या ना परोसा जाए उसको भी भान नहीं है। तो ये सारे के सारे कचड़े हम भरते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारा हमको जानकारी बहुत हो जाएगी। क्या जानकारी होगी कचड़े की? इसलिए आहार पवित्र रखने के लिए कानों पर भी अनुशासन की जरूरत है, आँखों पर भी अनुशासन की जरूरत है, नासिका पर भी महाराज अनुशासन की जरूरत है, त्वग इंद्री पर भी अनुशासन की जरूरत है। हमारे महाराज जी ने तो महाराज ऐसा एक जगह टिप्पणी की, मैं उस टिप्पणी से बड़ा सजग रहता हूँ। महाराज जी ने कहा जो महात्मा लोग छोटे छोटे बच्चों का स्पर्श करते हैं, बोले वो भी स्पर्श सुख का रस लेते हैं, भले वो बच्चे हैं। कहा कि उसका भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी स्पर्श इंद्री से जो हम सुख ले रहे हैं ना, त्वग इंद्री का, बच्चों का हाथ छू करके, बच्चों को छू करके, वो भी हमारे अंतःकरण में संस्कार को जन्म देंगे और हमारा अंतःकरण दूषित होगा। इसलिए स्पर्श को भी पवित्र रखने का नाम आहार है। ऐसे जो बोलने की बात है नारायण, बोलिए तो तब जब बोलने की रीति आवे। सबको बोलना नहीं आता है, बोलना सीखना चाहिए। हमारी वाणी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस वाणी को सुनकर के कोई व्यथित हो जाए। आप जरा विचार कीजिए, ये विधि का प्रयोग है, सत्यम ब्रूयात, सत्य तो बोलिए किंतु उसके साथ शर्त लगा दी गई, प्रियम ब्रूयात। तो कई लोग कहते हैं कि महाराज सत्य तो प्रिय होता नहीं, कैसे प्रिय बोला जाए, सत्य तो कठोर होता है। बोले मत बोलो, मौन रहो। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे न बोलने से संसार रुक जाएगा। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, यदि अप्रिय सत्य है तो मौन होना श्रेष्ठ है, मौन हो जाओ। और आपके बोलने से ऐसा नहीं कि कई लोगों को लगता है महाराज मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा। ये समाज सुधारकों का महाराज बड़ा विलक्षण खेल होता है, अरे बाबा पहले हम अपनी सुधार कर ले, बाद में समाज सुधार करेंगे। तो व्यवहार में वाणी मधुर होनी चाहिए, सुनृता, सुंदर वाणी, सुष्टु वाणी, रसीली वाणी। और बड़े प्रेम से गोपांगनाओं ने उनका स्वागत किया और वो कहती हैं कि मैं जानती हूं, ये व्यंग है, विज्ञाय संदेश हरम रमापते। हमारे श्री जीव गोस्वामी जी महाराज आदि कहते हैं कि गोपियों ने श्री उद्धव के वेशभूषे पर एक टिप्पणी कर दी बड़े प्यार से। महाराज बोलने का ढंग भी अद्भुत होता है, और जिन्हें बोलना है मैं कई बार हंसता रहता हूँ, हमारे पठित लोग विज्ञ लोग गाली भी देते तो इतनी रसीली गाली देते हैं कि आपको पता भी नहीं चले कि गाली है। मैंने शायद कभी सुनाया होगा, एक हमारे महापुरुष जब किसी बालक पर नाराज हों गुरुजन, तो उसको एक ही वाक्य कहते थे, तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें, तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें। गाली नहीं देते थे, यही बोलते थे। मैंने एक दिन बड़े प्रेम से पूछा, हमने कहा गुरुजी जब आप नाराज होते हो तो बच्चों को कहते हो कि तुम तो तुम ही हो, तुम्हें क्या कहें, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो मुस्करा गए और बोले कि एक सज्जन को आंख बंद करके, आंख तो थी किंतु बंद करके चलने की आदत थी, तो किसी से टकरा जाते थे, स्वयं आंख बंद करके चलें टकरा जाए तो उसको कहते थे गधे हो, दिखता नहीं है, टकराते स्वयं थे और उसको कहते थे गधे हो, दिखता नहीं है। और संयोग से क्या हुआ कि एक दिन गधे से ही टकरा गए। अब आंख खोल करके देखा तो उसको क्या कहे, गधे हो, दिखता नहीं है। उससे कहा तुम तो तुम ही हो, तुम्हें हम क्या कहें। अब गधे को क्या गधा कहा जाए, तुम तो तुम ही हो, ये बोलने का ढंग है। गोपियों ने एक व्यंग कसा और कहा मैं समझ गई, समझ गई।
आप संदेश वाहक हो, संदेश को लेकर आने वाले हो, किंतु संदेश हमारे लिए नहीं है, क्योंकि आप गोपीपति के संदेश वाहक नहीं हो, आप राधापति के संदेश वाहक नहीं हो। निश्चित रूप से आप रमाह पते, आप पैसे वालों के पति जो हैं, अब श्री कृष्ण हमारे नहीं रहे। अगर श्री कृष्ण हमारे होते तो हम उनको गोपीपति कहती, उनको वृंदावन पति कहती, ब्रजेश्वर कहती। वैसे हमारे वृंदावन में, ब्रज में, श्री कृष्ण के लिए ब्रजेश्वर शब्द प्रयोग नहीं करते लोग। क्यों ब्रजेश्वर क्यों प्रयोग नहीं करते हैं? क्योंकि बात यह है कि ब्रज के इस समय राजा नंद बाबा हैं, और जो नंद बाबा यदि उनको ब्रजेश्वर कहा जाएगा तो उनका ब्रजेश्वर पुत्र नहीं हो सकता है, ब्रज का ईश्वर तो एक ही होगा। तो ब्रजेश्वर के लिए, श्री कृष्ण के लिए प्रयोग नहीं करती ब्रजांगना। तो रमापति कहकर कहा, मानो बताना चाहती हैं कि आप तो पैसे वालों के हो, उन्हीं पैसे वालों के जो मालिक हैं उनके तुम संदेशर हो। मान लीजिए कई बार होता है व्यंग जब कसते हैं लोग, तो हमारे जो पुराने परिचित लोग हैं वो मैं कई बार देखता हूँ। अब समय तो समय है, मेरे तो कोई गांव का व्यक्ति भी आ जाए, मेरे पास समय हो तो मैं कथा तुरंत दे देता हूँ। मैंने कभी नहीं पूछा कि तुमको दक्षिणा क्या देनी है, कहाँ से आए हो, क्या है। मैं गांव के व्यक्ति को कथा दे देता हूँ, अनजान व्यक्ति को भी कथा दे देता हूँ, चला जाता हूँ समय हो यदि मेरे पास तो। कई बार हमारे पुराने लोग आते हैं और कथा उनको तुरंत चाहिए। अब तुरंत तो समय तिथि खाली नहीं है, और कथा जब नहीं दे पाते हैं तो बड़े मीठे ढंग से कहते हैं, महाराज अब गरीबों के संत नहीं रहे, अब तो सेठ साहूकारों के संत हो गए। अब तो जो अमीर लोग कथा कराने वाले उन्हीं को कथा देंगे, हम गरीबों को कहाँ से कथा मिलेगी। तो ये जो अमीरों के हो गए, ये कोई बहुत बड़ी प्रशंसा नहीं है, वो एक टिप्पणी है कि अब वो साधु नहीं रहे, अब सेठों के गुलाम हो गए। तो मानो गोपांगनाएं कहना चाहती हैं कि अब वो गोपीपति नहीं है, गरीबों के मालिक नहीं हैं, गरीबों पर करुणा करने वाले नहीं हैं, अब तो लक्ष्मी के गुलाम हैं। लक्ष्मी वाले जो लोग कहते हैं, और मैं जानती हूं, जानिस महाराज जानिम स्वम त्वाम यदुपते पार्षदम संपागतम। बाद में कहती हैं कि मैं जानती हूं आप यदुपति के पार्षद हैं। पार्षद कहने का ही प्राय सदस्य, अथवा वो यदुपति हैं और आप उन यदुपति के सभापति हो। तो जैसा यदुपति वैसे सभापति। सभापति को बहुत सावधान रहना पड़ता है, उसको बहुत चाटुकारी करनी पड़ती है। कई बार हमको एक संत ने कहा कि महाराज जितने बड़े पद पर जाओगे ध्यान रखना उतनी ही सहन शक्ति चाहिए। आप ये मत समझना कि जो व्यक्ति बड़ा बनता है वह उतना उद्दंड बनता है। जितना बड़ा पद चाहिए उतनी बड़ी सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि सहन शक्ति के कारण महाराज अभाव में हम कोई कार्यभार संभाल नहीं सकते। सहन शक्ति ही हमको बड़े पद के रहने योग्य बनाती है। तो कहा सभा में कोई कुछ भी बोलता रहे, किंतु सभापति को कैसे मौन रह करके समाधान करना है, कई बार बोलकर समाधान करना है उसको आता है। तो तुम रमापति के यदुपति के पार्षद हो, और तुम्हारे भर्ता ने हमारे भर्ता ने नहीं, तुम्हारे भर्ता ने, भर्ते है प्रेषिता,
तुम्हारे भर्ता ने तुमको यहां भेजा है, तुम्हारे मालिक ने तुमको यहां भेजा है, मैं जानती हूं कि तुम्हारा यहां आने का कोई प्रयोजन है ही नहीं। क्यों प्रयोजन नहीं है यहां आने का? बोले बात यह है कि कई बार जो सेवक होते हैं उनका कहीं जाने का मन ना भी हो और स्वामी की आज्ञा होती है तो वो चले जाते हैं। तो ऐसा तो दिखता नहीं कि तुम कोई ब्रज के प्रेमी हो। अगर ब्रज के प्रेमी होते तो इतने बढ़िया कपड़े पहन कर नहीं आते। और सचमुच में दुखी व्यक्ति के पास, गरीब व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा महंगे वस्त्र पहनकर जाना और बहुत ज़्यादा आभूषण पहनकर जाना उसको दुख देना ही है, उसके अभाव को जगाना है, उसके अभाव को जगाना है। हमारे महर्षि कहते थे कि संत अमीरों को भी आश्वासन देता है और गरीबों को भी आश्वासन देता है। कैसे अमीर और गरीब को आश्वासन कैसे देता है संत? अमीरों को आश्वासन यह देता है कि बिना वस्तु के, बिना स्थान के, बिना धन के भी जिया जा सकता है जैसे स्वामी जी जीते हैं, ये उनके लिए आश्वासन है। और गरीबों को भी आश्वासन है कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है तो हम मर जाएंगे। देखो स्वामी जी के पास कहाँ है। दोनों की एक श्रृंखला है। जो विरक्त व्यक्ति होता है वह अपनी रहनी से दोनों को आदर्श सिखाता है, गरीब को भी सिखाता है आदर्श और अमीर को भी सिखाता है कि सब कुछ होने के बाद भी ऐसे व्यक्ति रहा जा सकता है। हम कई बार देखते हैं रहनी को, हमको तो बड़ा आनंद आता है। हमारे यहाँ वृंदावन में हैं तो कलकत्ता के ही धानुका परिवार, हमने देखा इतना सिंपल धोती, एक चौबंदी, पुरुषोत्तम लाल जी हमारे बहुत प्रेमी महाराज, बिल्कुल ऐसे सामान्य सा कुर्ता, सामान्य सी धोती पहन करके कई संतों के पास तो जाते ही रहते थे सब जगह। उनको देख करके कोई नहीं कह सकता था कि इतने बड़े धनवाने हैं ये, एकदम सामान्य वस्त्र, सामान्य रहनी। मैं तो उनके पास जाता था, कमरे में बैठकर कई बार घंटों सत्संग करते थे, तो कमरे में भी महाराज उनके कोई ऐसा नहीं कि भाई बहुत बहुत सारा सामान्य, तांबे का लोटा रखा हुआ है टेबल में, दो चार पुस्तकें रखी हुई, एक माला झोली रखी हुई है। तो हमको देख करके लगता था कि निश्चित रूप से यदि उद्योगपति लोग इनको देखेंगे तो कहेंगे ऐसे भी जीवन जिया जा सकता है। तो अपने से गरीब के पास बहुत ज़्यादा वैभव लेकर के जाना और बहुत अच्छे कपड़े पहन करके जाना, बहुत अच्छी गाड़ी लेकर के जाना, ये उसको कोई सुख देने का काम नहीं है, उसके चित्त में अभाव जगाने का काम है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कहा तुम्हारा यहां आने का कोई प्रयोजन मुझे समझ में नहीं आता है, और इतने अच्छे वस्त्र पहनकर आए हो यह भी कोई प्रयोजन समझ में नहीं आता है। तब तक एक सखी ने कहा नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? बोले ये क्यों आए हैं मैं बताती हूं, सुनो, ये हमारे लिए नहीं आए हैं। तो फिर आए क्यों हैं यहां? बोले पित्रोर भवान प्रीच की ऋषया, आप यदुपति के माता पिता का प्रिय करने के लिए आए हो। माता पिता का प्रिय करने के लिए? इनके आने से माता पिता का क्या प्रिय हो जाएगा? अच्छा चलो, उनका प्रिय करने के लिए आए थे तो दुखी व्यक्ति के पास सहज जाते, ये सज धज करके नहीं जाते। मानामृत ब्रह्मचारी जी महाराज ने तो लिखा है कि गोपियों ने पूछा कि इतने महंगे, इतने कीमती आभूषण तुम स्वयं पहन के आए हो कि तुम्हें पहना कर भेजा गया है? इतने कीमती वस्त्र, इतने कीमती आभूषण तुम स्वयं पहनकर के आए हो कि तुम्हें पहना कर भेजा गया है?
इस ब्रज में तुम स्वयं आए हो कि तुम्हें भेजा गया है? तो ये गोपियां महाराज इस प्रकार के प्रश्न कर रही, तो कहा कि ये माता पिता के लिए आए हैं। अच्छा, माता पिता के लिए आए हैं तो इतने अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर क्यों आए हैं? बोले, माता पिता का एक स्वभाव होता है कि वो अपने बच्चों को यदि संपत्ति से, सुख से संपन्न देखते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है। हमको राजस्थान में माता पिता मिले, गांव में अकेले दो पति पत्नी रहते हैं, उनके बच्चे आसाम में हैं। तो हमने पूछा कि तुम्हारे बच्चे यहाँ आते जाते हैं? तो कहा कि पहले आते थे, अब बंद हो गया। माताजी ने कहा तो तुरंत सज्जन बोल पड़े, मैंने मना कर दिया है। तो हमने कहा क्यों मना कर दिया? बोले, बात यह है कि पहले जब आते थे तो उनके बच्चे छोटे छोटे थे और अब बच्चे बड़े हो गए हैं और गर्मियों में छुट्टी होती है तो वहाँ तो उनके पास सब एसी है, एसी गाड़ियाँ हैं, एसी बंगले हैं, और यहाँ तो हमारे पास एक भी एसी कमरा नहीं है, एसी गाड़ी नहीं है। तो यदि बच्चे आएंगे तो उनको यहाँ नींद नहीं आती है, रात्रि में उनको कष्ट होता है, तो हमको लगता है कि वो वहीं बने रहें, जब हमारा मन होगा तो उनसे मिलाया करेंगे, और हमको तो देश अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो देश में ही रहता हूँ। तो बच्चों को कष्ट न हो, ये भी माता पिता ध्यान रखते हैं कि उनको कष्ट होगा, यहाँ सुविधाएं नहीं हैं इसलिए वो ना आए, तो उनके वैभव को, उनको सुख को देख करके भले हमसे दूर हैं किंतु प्रसन्न हैं। और श्री कृष्ण ने ये जानबूझ करके इसको भेजा है अपने सेवक को, ये बड़े बड़े हीरे के कुंडल पहना करके, हीरे के कंगन पहना करके, हीरे के बाजूबंद पहना करके, ये बहुमूल्य कपड़ा पहना करके इसलिए भेजा है कि माँ देख लो, पिता देख लो, हमारा नौकर ऐसे रहता है। तो जब हमारे नौकर ऐसे रहते हैं तो हम कैसे रहते होंगे? तो हमारे नौकर को देख करके तुम खुशी हो जाना। उद्धव एक बात कहें, जिन माँ बाप को श्री कृष्ण जैसा बेटा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके भाग्य में यही विडंबना लिखी होती है और कुछ नहीं लिखा होता है, यही विडंबना लिखी होती है कि अब स्वयं ना करके संदेशवाहक नौकर भेजे जाते हैं। हमारे यहाँ शंकराचार्य नगर जहाँ 84 कुटिया है, यहाँ पर मेरे पहले महर्षि के विद्यार्थी रहते थे बहुत सारे, और मैं भी विद्यार्थी था, उनसे विद्यार्थियों से, ब्राह्मणों से हमारा प्रेम था। तो संयोग से एक बांदा जिला, हमीरपुर जिला का विद्यार्थी था, तो उसके पिताजी यहाँ आते थे तो वहाँ रख नहीं सकता था, तो हमारे साथ कुटिया में रह जाते थे। बाद में श्रीधाम वृंदावन रहने का अवसर मिला, उसी का भाई हमारे पास वृंदावन में आश्रम में आ गया, वो रहता था। अब वहाँ तो किशोरी जी की बड़ी कृपा है ब्राह्मणों पर, उतनी शायद काशी में नहीं है, जितनी ब्राह्मणों पर श्री वृंदावन में कृपा है उतनी काशी में नहीं है। आप कहोगे क्यों? एक साल यहाँ रुद्री पढ़ी और चौड़ी महाराज किनारी की धोती और चौबंदी, ऐसे रंग बिरंगे पहन करके पंडित हमारे निकलते हैं कि आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाओगे। और इतना माल हमारे ब्राह्मण विद्यार्थियों के पास रहता है, मुझे भी पता है, मैं भी विद्यार्थी बनकर रहा हूँ, तो वहाँ किशोरी जी की कृपा है, उसके पास मैं पैसा अनुष्ठानों की वजह से आ गया था। एक दिन उसके पिताजी आ गए, वो पिताजी मेरे से परिचित थे। अब एक तो वैष्णव परंपरा के गरीब घर के, तो फटी पुरानी धोती और बड़ी बड़ी दाढ़ी, उस विद्यार्थी ने अपने पास उनको नहीं रखा,
कहीं शायद सुदामा कुटी आदि कहीं रखा तो मिलने आए, तो हमसे मैंने पूछा कि कौन है। मुझे पता था कौन है ये, क्योंकि वो हमसे परिचित थे। तो उसने कहा कि हमारे गांव के हमारे खेती का काम करने वाले नौकर हैं और हमसे मिलने आए हैं। मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैंने उसको बहुत डांटा और डांट करके हमने कहा कि तुम्हारे पिता हैं मैं जानता हूं, क्योंकि तुम्हारे भाई को जानता हूं, अगर तुम्हें लज्जा आती है इनके वेशभूषा को देख करके तो जाकर हजामत बनवाओ इनको, और तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े उनको कपड़े पहनाओ। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम माता पिता को कह रहे हो कि हमारे घर के नौकर हैं? तो महाराज संपत्ति मिलने के बाद अपने पिता की सहज महाराज देख करके वेशभूषा, समाज में कई लोगों को तो अपने पिता स्वीकार करने में लज्जा आती है। ये दुर्भाग्यशाली लोग हैं जी, जिनको इस ढंग का भाव हो। तो गोपांगनाएं कहती कि निश्चित रूप से उनका प्री करने के लिए अन्यथा गो ब्रजे तस्य स्मरणीयम न चक्षमय है। अगर उनके माता पिता इस ब्रज में नहीं होते तो निश्चित रूप से उनका यहां का स्मरण होता ही नहीं। अगर स्मरण करके उन्होंने किसी को भेजा है यहां दास को तुम्हें क्यों स्मरण नहीं होता, तो कहा गो ब्रजे, ये तो पशुओं का ब्रज है, ये तो पशुओं का ब्रज है। गो माने पशु, कहा ये पशुओं का ब्रज है तो उनको महाराज हम पशुओं से क्या लेना देना। वो निश्चित रूप से यदि उन्होंने भेजा है तो अपने माता पिता के लिए भेजा है, और कोई इस ब्रज में उनके स्मरण का पात्र है ही नहीं। क्योंकि जिनके चित्त में पैसा बस जाता है उनके चित्त में फिर गरीबों के प्रति कहां महत्व तो रहता है। हम न पढ़ी हैं, नाम लिखी हैं, ना हमारे पास संपत्ति है, ना हमारे पास सुविधा है, हम गरीबनी उन्हें क्या दे सकती हैं, हमारे पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो तो रमापति हैं, यदुपति हैं, अब धन वाले लोगों को तो धन चाहिए, हमारे पास धन है नहीं, हमारे पास धन नहीं तो मैं धन दे सकती नहीं, और यदि मैं उनको कुछ दे नहीं सकती तो फिर हमारा स्मरण करेंगे ही क्यों। हमारे लिए नहीं आए हो तुम, माता पिता के लिए आए हो। एक सखी ने कहा कि माता पिता के लिए क्यों आए, माता पिता का स्मरण क्यों इनको आ गया। तो कहा स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुने रपि सुदुस्त्यजः, अपने परिवार का जो संबंध होता है खून का संबंध, वह बड़े बड़े महात्माओं को भी दुस्त्यज होता है। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग ने एक बात लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मैं कई बार उद्धृत करता हूँ समाज में, साधुओं के साथ भी उसको, मैं बहुत साधुओं को ये बात कहता भी हूँ और अपने जीवन में भी आचरण में लाने का प्रयास करता हूँ। प्रथम स्कंद में जहाँ परीक्षित जी महाराज ऋषि के पास गए, वन में शिकार खेलने गए थे, प्यास लगी, कथा से आप सब परिचित हैं, राजर्षि परीक्षित को ठीक है कलयुग के शिकार थे वो, कई आचार्य चरण मानते हैं कि जरासंध का मुकुट धारण करने के कारण उनके मस्तिष्क में कलयुग का वास हो गया था, इसलिए संत से सम्मान पाने की कामना जगी। कई लोग कहते हैं कलयुग को स्थान दिया था, उसमें एक सूना भी स्थान है, दूतम पानम स्त्रिय सूना, तो हत्या जहां होती है वहां कलयुग का वास होता है। तो ये शिकार खेलने के लिए निकले थे, बेचारे पशुओं का वध करने के कारण इनके चित्त में कलयुग का वास हो गया था, जो भी हो। और उन्होंने ऋषि के आश्रम में जाकर ऋषि को पुकारा, किंतु ऋषि ने आंखें नहीं खोली, तो उनको लगा कि निश्चित रूप से ये ढोंग कर रहे हैं,
और गले में जब मरा हुआ सर्प डाल करके चले गए, जब ऋषि कुमारों ने उनके पुत्र को ये सूचना दी तो वह संकल्प करके कहता है, इति लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनी, संकल्प करके शाप दे करके रोता हुआ आया अपने पिता के पास, और उसके रुदन को सुनकर के ऋषि की समाधि खुल गई। राजर्षि परीक्षित पुकारते रहे तब भी समाधि नहीं खुली, और पुत्र के रुदन से सुनकर के समाधि खुल गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी महाभाग लिखते हैं कि ये पुत्र था और पुत्र का संबंध हृदय से होता है। ये जो खून के संबंध, साधु को परिवार से दूर क्यों रहना चाहिए, घर क्यों नहीं जाना चाहिए, अपने भाइयों से संबंध क्यों नहीं रखना चाहिए? इसलिए नहीं रखना चाहिए कि खून का संबंध है। कई लोग महाराज कहते हैं कि सब बराबर हैं साधु के लिए, तो जैसे वो वैसे ही है, जैसे अन्य लोगों से मतलब रखता है वैसे अपने भाइयों से रखना चाहिए, वैसे अपने परिवार से रखना चाहिए। मैं बिल्कुल मना करता हूं कि यदि साधु को साधुता अपनी जीवित रखनी है तो परिवार से कभी मतलब नहीं रखना चाहिए। नहीं, वो साधु नहीं होगा, बुरा मत मानिएगा, वो रड़ुआ होगा। रड़ुआ, साधु और रड़ुआ में बहुत फर्क है। हमने देखा है महाराज, रड़ुए लोग जितना अपने भतीजों से प्यार करते हैं, शायद उसका उतना बाप नहीं बात कर प्यार करता है। रड़ुओं का महाराज भतीजों से प्राण बधे रहते हैं उसमें, उतना बाप भी अपने बच्चों से प्रेम नहीं करना करता जितने ये रड़ुए लोग करते हैं। हम तो इसके बहुत शिकार रहे हैं और बहुत व्यथित भी हैं, अभी भी व्यथित हैं कि जब साधु का संबंध घर से होता है तो उस साधक का उससे कल्याण नहीं होगा, उस साधु से साधक लोग भी लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि ममता उधर खींचती है। और ये खून का संबंध जो होता है यह निश्चित रूप से हमारे हृदय तक भेदता है। दूसरा कोई रो रहा हो तो उतना रोने का कष्ट नहीं होगा, अपने खून का संबंध वाला यदि कोई रो रहा होगा तो निश्चित रूप से आपका चित्त उधर खींचेगा। इसलिए गोपांगनाओं ने कहा, स्नेहानुबंधो बंधु नाम मुने रपि सुदुस्त्यजा। बड़े बड़े मुनि भी, मुनि माने मननशील, जो बड़े बड़े मुनि हैं, मननशील लोग हैं, सावधान लोग हैं, उनके चित्त को भी परिवार का संबंध बांध देता है। तो श्री कृष्ण तो कोई मुनि नहीं है, ये तो कोई महात्मा नहीं है, तो यदि उनको अपने माता पिता से प्रेम है तो कोई बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से ये माता पिता के लिए ही आए हुए हैं, अन्यथा कोई इनका प्रयोजन नहीं है। अन्येष् सुकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम, यावदर्थ विडम्बनम, सचमुच में विडम्बना मात्र है। एक गोपी ने कहा कि श्री उद्धव जी महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप शास्त्रज्ञ हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, बृहस्पति के विश्वविद्यालय से पीएचडी करके आए हैं, दर्शन शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, हम गांव की गंवारिन हैं, अपठित हैं, अगर मेरी भाषा शैली में कहीं कोई गड़बड़ी हो तो नाराज मत होना, हमारी भाषा को मत पकड़ना, मेरे भाव को पकड़ना। मैं भाषा मर्मज्ञ नहीं हूं कि मैं बहुत अच्छी रसीली भाषा से कोई बात कह सकूं, मेरे चित्त में एक शंका है, वो शंका मुझे बड़ा कष्ट देती है। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो स्वार्थ की मैत्री होती है वो स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद पूरी हो जाती है, क्योंकि हेतु तभी तक था और वह हेतु पूरा हुआ, कारण पूरा हुआ तो मैत्री पूरी हो गई। उसमें कई उदाहरण इन्होंने दिए हैं स्वार्थ की मैत्री के उदाहरण। पहला उदाहरण देती हुई कहती, पुंभी स्त्री सुकृता यदवत सुमनस्तिव सट पदई ही। ये पुरुष
कामी पुरुष कामनी से स्त्री से तभी तक प्रेम करता है जब तक उसकी वासना पूरी न हो जाए, उसका प्रयोजन पूरा हुआ फिर उसका कोई लेना देना नहीं है। ये षटपदई ही भावरा, भावरे को दुरेफ बोलते हैं, जिसमें कारण क्या उसके दो जो ऊपर जिससे वो पराग खींचता है वो दो जो होते हैं वो रेफ के समान होती हैं, इसलिए दुरेफ है। अथवा भ्रमर लिखो तो भ्रमर में दो राह हैं, रेफ दो हैं भ्रमर शब्द में, एक तो भ्रमर में भ्रा में नीचे राह है और लास्ट में भ्रमर रकार है, तो दो रकार होने के कारण, दो रेफ होने के कारण इसका नाम द्विरेफ है। वैसे तो षटपदई ही इसके छह पैर हैं भौरे के, तो भौरा जब तक पराग का पान नहीं करता है, अभी पुष्प विकसित भी नहीं है, परागवान है, कमल के अंदर पराग भरा है किंतु अभी सूर्य का प्रकाश मिला नहीं, पूर्ण संत पूर्ण से खिला नहीं है, तो भ्रमर बड़े गीत गाता है, चारों तरफ घूमता है कमल के, ऐसे ऐसे गीत गाता है, नाचता है, रिझाता है, और रिझाने के बाद जब मानो कमल खुल गया और उस भ्रमर ने जब पराग पी लिया, तो पी लेने के बाद फिर भ्रमर मुड़ करके जिस कमल में पराग नहीं होता है उसके बाद फिर मुड़ करके देखता नहीं है, क्योंकि प्रयाग उसका जो प्रयास था वो पराग पाने का था, और पराग पाने के बाद अब उससे कोई लेना देना नहीं, तो भ्रमर छोड़ देता है जैसे कमल को। और इतना ही नहीं, निस्वम त्यजंती गणिका, ये जो गणिका होती है वैश्या, जब तक पुरुष के पास पैसा है तब तक तो महाराज ऐसी सेवा करेगी, हाथ जोड़ी खड़ी रहेगी, तुम्ही सर्वस्व हो, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें जीवन धन क्या क्या बोले। और यदि पैसा चला गया और वो पुरुष मिलने के लिए जाए तो गाली दे करके भगाएगी। ये जो जितना प्रीति नजर आ रही थी केवल उस पैसे की थी, ऐसे महाराज अकल्पम नृपतिम प्रजाहा, ये राजा का सम्मान प्रजा तब तक करती है जब तक राजा भरण पोषण करने की स्थिति में होता है। अगर राजा भरण पोषण करने की स्थिति में प्रजा की न हो तो ये प्रजा राजा का सम्मान नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, नारायण अधीत विद्या आचार्यम, ये विद्यार्थी लोग जब अपने गुरुजनों से विद्या अध्ययन पूरा हो जाता है उसके बाद फिर मुड़ करके देखते नहीं है, जब तक विद्या न हो तो गुरुजी 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 आगे पीछे होते हैं। हमारे वृंदावन में एक विद्वान हैं, बोले कि जो पहले हमारे शिष्य थे हमारा जब पढ़ते थे तो गुरुजी गुरुजी कहते थे, अब व्यासपीठ पर कहीं संबोधन करना होता है तो कहते त्रिपाठी जी, अब गुरुजी नहीं कहते, कहा बहुत ज्यादा बोलेंगे तो आदरणीय त्रिपाठी जी, आदरणीय भले लगा दे, बोले क्यों नहीं बोलते, उनको का शर्म आती है कि महाराज हम इतने बड़े प्रतिष्ठित और हम कैसे गुरुजी इनको कैसे कहें, गुरुजी कहने में संकोच होगा, महाराज बड़ी हमारे साथ तो हमें तो कई बार हम तो विद्या वहाँ बहुत विद्वानों से पढ़े हैं, राजवंश गुरुजी से भी पढ़े, रामानंद गुरुजी से भी पढ़े, राजा राम गुरुजी से भी पढ़े, वहाँ और भी बहुत सारे अभी भी हैं जिनसे मैं पढ़ा अध्ययन किया है। अब अपने राम ने तो संन्यास ले लिया, वो गृहस्थ आश्रम में है, तो जब भी मिलते हैं हमको तो सर रख करके मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे आश्रम में बहुत विरोध किया कई महात्माओं ने कि सन्यासी को अपने माँ के अलावा किसी गृहस्थ को प्रणाम करने का शास्त्रीय अधिकार नहीं है, तो मैं हंस के कहता हूँ कि बेस का सन्यासी हूँ, जब पूरा हृदय का सन्यासी हो जाऊँगा तब सन्यास की बात पूरी मानूंगा, अभी हृदय से पूर्ण सन्यास हमारा हुआ नहीं है, जिस दिन हृदय से पूर्ण सन्यास हो जाएगा उस दिन से पूरी बात मानूंगा, अभी तो वेश से हूँ, हृदय से बंधन करता हूँ। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि आचार्य का परित्याग कर देते हैं विद्या अध्ययन के बाद, ऐसे ही पंडित जी लोग आचार्य चरण, जब तक दक्षिणा नहीं मिलती तब तक सेठ जी बाबूजी बाबूजी, और दक्षिणा मिलने के बाद ऋत्वजो दत्त दक्षिणम,
मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूँ, तो मैं कम चलता हूँ साथ में, वर्षों से कथा कर रहा हूँ। तो पहले तो हमारे ब्राह्मण भी हमारे साथ ही चलते थे, क्योंकि मैं एसी में नहीं चलता था, स्लीपर में ही चलता था, तो ब्राह्मणों के साथ ही रिजर्वेशन होता था हमारा वर्षों तक, 10-12 वर्ष तक तो लगभग रहा ही। अभी थोड़ा कई कारणों से अलग रहता हूँ, तो मैंने देखा कि चाहे कितने रसिक ने कथा बढ़िया से बढ़िया सुनी हो, बहुत आनंद आया हो, किंतु हमारे ब्राह्मण लोग नहीं कहते कि कथा बहुत बढ़िया हुई, अब की बार कथा बहुत, किंतु जिस कथा में दक्षिणा बहुत बढ़िया मिलती है तो कहते हैं महाराज जी ऐसी कथा आप महीने में दो किया करो, ज़्यादा भले मत करो। तो कथा बहुत बढ़िया हुई, तो कथा की बढ़िया की परिभाषा यह है कि दक्षिणा बढ़िया मिली है। जब वो कहने लगते हैं कि कथा महाराज जी बहुत बढ़िया हुई, तो मैं जान जाता हूँ कि यजमान उदार रहा है, जहाँ इन्होंने मांगा वहाँ ज़्यादा मिला है इनको। तो निश्चित रूप से आचार्य चरण भी दक्षिणा में अपने विद्वान जन दक्षिणा मिलने के बाद जैसे यजमान से मतलब नहीं रखते हैं, वैसे ही ये मृग जंगल में आग लगने पर महाराज जंगल को छोड़ करके भाग जाते हैं। वैसे जारो मुक्त्वा रताम स्त्रियम, जार पुरुष स्त्री का परित्याग कर देता है रति के बाद में। इस प्रकार से चिंतन करते करते इति गोप्यो ही गोविंदे गत वाक काय मानसाहा कृष्णे दूते ब्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिकाहा। इस प्रकार से महाराज उनकी वाणी, उनका मन, उनका शरीर सब गोविंद के चरणों में चला गया। गोविंदे गत वाक काय मानसाहा, उद्धव जी महाराज संदेशवाहक बनकर के आए हैं, किंतु उनके सामने भी त्यक्त लौकिकाहा, लौकिक धर्म छूट गया, उनका लज्जा चली गई। और श्री कृष्ण के गीत गाने लगी, और गाते गाते नारायण ये सब सखियां एक तरफ चल पड़ी। और जब महाराज पीछे पीछे से उद्धव जी में महाराज गए, तो देखा क्या एक निवृत्त निकुंज में एक उज्ज्वल नीलमणि की आराधना करते करते उज्ज्वल सी एक महाराज रेखा सी एक गोपी लेटी हुई है मूर्छित सी। सब सखियां चारों तरफ जा करके घेर लेती हैं, और वो हमारी श्री किशोरी जी हैं। उनकी भाव अभिव्यक्ति होती है बाद में एक मधुकर को देख करके। गोपियों ने गीत गाया है जिसका नाम भ्रमर गीत है, कल से उसकी चर्चा नारायण हम लोग आनंद लेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।